हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत प्यारा सा ये पैटर्न आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ये पैटर्न देखिए इस तरह से है, कुछ ये लिप के जो है बबल्स के तरह दिखते हैं। और इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर हो, कार्डिगन हो, बेबी स्वेटर हो, इसे कहीं भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए राइट साइड से इस तरह से दिखते हैं और ये रॉन्ग साइड से इस तरह से है। ये देखिए इस तरह से। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 16 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे, प्लस 7। इस तरह से आप यदि फंदे लेंगे तो पैटर्न आपके प्रोजेक्ट पर अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। इसमें देखिए मैंने 39 फंदे ली हूं, 16 प्लस 16 प्लस 7। और इस 39 फंदे में मैं आपको बनाकर बताऊंगी। टोटल जो है ये 16 रो में बनकर तैयार भी हो जाता है। तो ये फर्स्ट रो है पैटर्न की। तो सबसे पहले आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले आप बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद ये दो लाइन मैंने बनाए हैं, एक सीधी और एक उल्टी। फंदे डालने के बाद दो लाइन बनाई, एक सीधी साइड से सीधी बुनाई की है और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुनाई की है। उसके बाद ये पैटर्न हम स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे हम, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये दो फंदे जो हैं, ये दो फंदे को हम इस तरह से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, दो फंदों का एक फंदा। और फिर यहां से तीन फंदा हम सीधा बुन लेंगे, एक दो और ये तीन फंदे, तीन फंदे सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे तीन फंदा उल्टा, एक दो और ये तीन, तीन फंदा उल्टा, धागा आगे ही रहने देंगे। उसके बाद यहां पर जाली बनाते हुए एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर से ऐसे घुमाएंगे, घुमाकर धागे को आगे लाएंगे। तो यहां पर भी हमें जाली बनानी है, बट हमें आगे जो है ये तीन फंदे में उल्टा बुनाना है, इसीलिए जाली बनाने का जो तरीका होगा यहां पर इस तरह से होगा। और तीन फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, एक दो और ये तीन। यहां पर देखिए तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद यहां पर देखिए तीन फंदा हमारा उल्टा बना। उसके बाद धागा पीछे करेंगे और यहां पर हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदा हमने सीधा बुना, धागा पीछे ही रहने देंगे। और यहां पर देखिए ये जो दो फंदे हैं इन दो फंदों को इस तरह से लेंगे, बिना बुने हम उतार लेंगे, एक फंदा इसे सीधा बुनेंगे और ये बिना बुने हुए फंदे को हम दोनों फंदे को लेकर ऐसे ड्रॉप करेंगे ऊपर से, ये अच्छे से चेन बन जाएंगे यहां पर। और फिर से तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक दो और ये तीन, धागा आगे करेंगे तीन फंदा उल्टा, एक दो और ये तीन फंदा, धागा आगे ही रहने देंगे। फिर यहां पर हम जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाते हुए, फिर अगली जाली के लिए हम फंदे को ऐसे घुमाकर आगे लाएंगे और तीन फंदा उल्टा बुन लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे हमने उल्टे बुने, धागा आगे ही रहने देंगे। और यहां पर फिर से हम तीन फंदा, सॉरी धागा पीछे कर लेंगे क्योंकि जाली यहां पर बनी है। अगला स्टेप मेरा दूसरा है, यहां पर तीन फंदा सीधा, फिर से हम यहां पर ये देखिए दो फंदा इस तरह से करेंगे और ये एक फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को हम ऐसे ड्रॉप कर देंगे। दो फंदे जो हमने बिना बुने उतारे हैं उसे हम ड्रॉप कर देंगे और फिर तीन फंदा हम सीधा बुन लेंगे, एक दो ये तीन, और ये हमारा एक्स्ट्रा वाला फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो हुई, पैटर्न की फर्स्ट रो। अब हम सेकेंड रो, सेकेंड रो हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये जो पैटर्न हमारे 16 रो के हैं इसमें उल्टी साइड में जब भी हम आएंगे, जैसे रो नंबर 2, 4, 6,
8, 10, 12 ये जो लाइन होंगे हमारी बुनाई की पैटर्न में, वो सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनकर ही कंप्लीट करेंगे। इसलिए मैं अब जो है सीधी सीधी साइड से ही सिर्फ बताऊंगी और उल्टी साइड से आप उल्टे उल्टे बुनेंगे। इसमें देखिए मैं कोई भी फंदे में कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सारे फंदे को मैं उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर रही हूँ। रो नंबर थर्ड में आते हैं। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और यहां पर देखिए दो फंदे अब हम सीधा बुनेंगे, एक और ये दो फंदे। उसके बाद ये जो दो फंदे हैं, इन दो फंदों को हम इस तरह से देखिए दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे, धागा आगे करेंगे और ये जो तीन फंदे हमारे उल्टे हैं इसे हम उल्टा ही बुनेंगे। तीन फंदा उल्टा, धागा आगे ही रहने देंगे और जाली बनाते हुए हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो और ये तीन। तीन फंदा सीधा बुनाया, फिर से ऐसे घुमाकर आगे लाएंगे, जाली बन गए। अब आगे जो हम तीन फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब फिर से धागा पीछे करेंगे और यहां पर हम देखिए दो फंदा सीधा बुनेंगे और ये फंदे और ये फंदे, ये जो चेन बने थे मेरी पिछली लाइन सीधी साइड में, ये वाले फंदे और ये फंदे, इन दो फंदों को वापस से हम देखिए इसी तरह से बनाएंगे, बिना बुने उतार लेंगे। अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और ये फंदे को हम पीछे से दोनों फंदों को लेकर हम ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। फिर आगे हम दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो, धागा आगे करेंगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो और ये तीन फंदा उल्टा, धागा आगे ही रहने देंगे हम और तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो और ये तीन फंदा, तीन फंदा सीधा, फिर ऐसे घुमाकर आगे लाएंगे धागे को और तीन फंदा उल्टा, एक दो और ये तीन। तीन फंदे हुए, धागा पीछे करेंगे और तीन दो फंदा हम सीधा बुनेंगे और यहाँ पर तीन फंदों का एक फंदा करेंगे। तो पहले दो फंदों को हम इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे, अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे जो हमारे दो फंदे हैं बिना बुने उसे हम ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। आगे फिर हम दो फंदा सीधा बुनेंगे और ये एक्स्ट्रा वाला फंदा इसे भी हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमारी थर्ड रो कम्प्लीट हुई और फोर्थ रो हम सारे फंदे उल्टे बुनकर कम्प्लीट करेंगे। अब आते हैं रो नंबर फाइव में। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और यहां पर हम दो फंदों का एक फंदा ऐसे करेंगे, धागा आगे करेंगे और फिर हम तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा आगे ही रहने देंगे, पांच फंदा हम जाली बनाते हुए सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे बने, धागा को ऐसे घुमाकर आगे लाएंगे और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो और ये तीन। तीन फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे और यहां पर हम ये तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे। दो फंदा हमने ड्रॉप करेंगे ऐसे बिना बुने ही और एक फंदा सीधा बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को हम, ये दो फंदे जो हमने बिना बुने रखे हैं उसे हम ऊपर से ऐसे निकालकर ड्रॉप करेंगे ऐसे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो और ये तीन, धागा आगे ही रहने देंगे और जाली बनाते हुए पांच फंदा बुन लेंगे सीधा, एक दो तीन चार और ये पांच। पांच फंदे हुए, धागा को घुमाकर ऐसे आगे लाएंगे और फिर उल्टा बुनेंगे तीन फंदा, एक दो और ये तीन फंदा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा और फिर तीन फंदों का एक फंदा ऐसे, फिर एक फंदा हम बुनेंगे और ये बिना बुने हुए फंदे जो हमने रखे हैं दो फंदे उसे हम ऊपर से ड्रॉप कर देंगे और फिर एक फंदा सीधा, ये लास्ट वाला फंदा ऐसे हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। तो रो नंबर फाइव हमारी कंप्लीट हो गई। रो नंबर सिक्स हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे।
रो नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं रो नंबर 7 में। तो पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे ही, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारे चेन जो बनते आ रहे हैं, ये दो फंदे, अब हमारे आगे जो है कोई फंदा नहीं बुनना है, बस दो फंदों का एक फंदा बुन देना है, क्योंकि इसके आगे हमारे सीधे फंदे नहीं रहे हैं, सारे फंदे हमने इस तरह से एक करके इसमें घटा दिया है। दो फंदों का एक फंदा हो गया, अब तीन फंदा उल्टा, एक दो और ये तीन फंदा उल्टा, धागा आगे ही रहने देंगे और जाली बनाते हुए 7 फंदे हम सीधा बुनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 फंदे सीधा बुने, फिर से ऐसे घुमाकर आगे लाएंगे धागा को और 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2 और 3 धागा पीछे करेंगे। अब यहां पर देखिए हमारे 3 फंदे ही सीधे रह गए हैं, ये 3 फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे। 2 फंदा हम ऐसे निकालेंगे बिना बुने ही, 1 फंदा सीधा बुन लेंगे और बिना बुने हुए फंदे जो हमने 2 फंदे एक साथ निकाले उन 2 फंदों को हम ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। धागा आगे करेंगे, 3 फंदा उल्टा, 1, 2 और 3 फंदा धागा आगे ही रहने देंगे और जाली बनाते हुए फिर से हम यहाँ पर 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 7 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फंदे। अब फिर से ऐसे धागा घुमाकर आगे लेंगे और 3 फंदा उल्टा बुन लेंगे, 1, 2 और 3 फंदे धागा पीछे करेंगे। अब ये जो हमारे 3 फंदे हैं सीधे वाले, इसे फिर 3 का 1 ही बनाएंगे इस तरह से जैसे हम अभी तक बनाते आए हैं। 2 फंदे हमने बिना बुने उतार लिए, 1 फंदा सीधा बुना, फिर से बिना बुने हुए फंदे जो हमें 2 फंदे हैं उसे ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे और ये एक्स्ट्रा फंदा है लास्ट वाला, इसे हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। तो रो नंबर 7 हमारी कंप्लीट हो गई और रो नंबर 8 हम उल्टी साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 8 कंप्लीट करने के बाद रो नंबर 9 में है, तो पहले देख लेते हैं रो नंबर 8 कंप्लीट करने के बाद हमारा कैसा दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहे हैं। अब रो नंबर 9 में जो हमारे देखिए फर्स्ट रो के तरह हम स्टार्ट करेंगे, बट थोड़ा सा जो है ये जगह थोड़ा सा चेंज होगा। तो जो ये मैंने यहाँ पर स्टार्ट किए थे ये 9 फंदे का प्रोसेस, वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और जो यहाँ पर हमने स्टार्ट किए थे वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ये चेंज हो जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। रो नंबर 9 है तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और ये देखिए धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए 1 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। साइड से हम एक ही फंदे हम बना रहे हैं तो इसीलिए यहां पर आगे बार अगली साइड में जो हम जाली नहीं बनाएंगे, यहां पर हमारा जो है पैटर्न जो है हाफ पैटर्न बन रहा है साइड से, इसीलिए हम इधर से हम दोबारा जाली नहीं दे रहे हैं। 3 फंदा हम उल्टा बुन लेते हैं, तो 1, 2 और 3 फंदा धागा पीछे करेंगे। अब यहां पर देखिए 9 फंदे जो हमारा यहाँ वाला प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहले 3 फंदा हम सीधा बुन लेंगे, 1, 2 और 3 और फिर यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदा हमने बिना बुने उतारा, 1 फंदा सीधा और बिना बुने हुए फंदे को हम पीछे से ऐसे लेकर ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए वही वाला प्रोसेस है, फिर 3 फंदा हम सीधा बुन लेंगे, 1, 2 और 3 फंदा देखिए यहाँ पर इस तरह से धागा आगे हुआ, 3 फंदा उल्टा, 1, 2 और 3। अब यहाँ पर हमारे 1 फंदे जो रह गए इसमें हम जाली बनाएंगे दोनों साइड से, दोनों आसपास से हम, तो 1 फंदा सीधा बुन लेंगे जाली बनाते हुए, फिर से ऐसे घुमाकर आगे लाएंगे और 3 फंदा उल्टा बुन लेंगे, 3 फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे करेंगे, 3 फंदा सीधा, 1, 2 और 3 और 3 का 1 3 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे फंदे को लेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे और बिना बुने हुए फंदे जो हमने रखे हैं दो फंदे उसे हम पीछे से लेंगे और ऐसे ड्रॉप कर देंगे। देखिए इसे चैन सा बनता जाता है, फिर से 3 फंदा हम सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3 ठीक है, धागा आगे, 1, 2, 3
और यहां पर देखिए ये जो सीधे फंदे हैं इसके आसपास हम जाली बनाएंगे। एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे जाली बनाते हुए, फिर से धागा ऐसे घुमाएंगे आगे लाएंगे, या फिर आप ऐसे ही रहने दीजिए, फिर से धागा ऐसे कर लीजिए। और ये क्योंकि ये हमारा बैक लूप वाला फंदा है, लास्ट फंदा, इसी से हम इस तरह से बुन लेंगे। तो ये हमारा रोल नंबर 9 जो है कंप्लीट हुआ। रोल नंबर 10 हम सारे फंदे को उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 10 के बाद अब हम है रो नंबर 11 में। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे लेंगे और जाली बनाते हुए हम दो फंदा सीधा बुन लेंगे, एक और ये दो। दो फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो और ये तीन। धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर यहां पर तीन फंदों का एक फंदा। देखिए जैसे हम बनाते हैं, दो फंदा हम बिना बुने उतार लिए और पीछे वाले फंदे को हम ड्रॉप कर देंगे ऐसे। फिर से दो फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब धागा आगे ही रहने देंगे और जाली बनाते हुए हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो और ये तीन फंदा। फिर से ऐसे हम घुमाकर जाली बनाएंगे और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन। ये जो हम तीन फंदे उल्टे उल्टे बुन रहे हैं, बीच में हर पैटर्न के बीच में हमारा जो ये गैप है, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, चार पांच छह भी रह सकते हैं, उसके हिसाब से आपको फंदे सेट करने होंगे अपने पैटर्न के लिए। इसके बाद देखिए धागा पीछे करेंगे, दो फंदा सीधा, फिर तीन का एक, दो फंदा एक फंदा सीधा बुन लेंगे और पीछे वाले जो दो फंदे हमने बिना बुने उतारे हैं उसे हम आगे से ड्रॉप कर देंगे। फिर से दो फंदा सीधा, ठीक है, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा और फिर यहां पर धागा आगे ही रहने देंगे और जाली बनाते हुए तीन फंदा सीधा बुन लेंगे। ये लास्ट में हमारा बैक लूप से बनेगा, इसीलिए हम धागा आगे करके अब बैक लूप से जाली बनाते हुए सेम एक्स्ट्रा वाले फंदे को सीधा बुन देंगे। तो ये हमारा रो नंबर 11 जो है कंप्लीट हुआ। रो नंबर 12 हम उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 12 के बाद अब हम आते हैं रो नंबर 13 में। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए धागा को आगे करेंगे और जाली बनाते हुए हम तीन फंदा यहां पर बुनेंगे, एक दो और ये तीन। तीन फंदे हुए, धागा आगे करेंगे और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो और ये तीन। धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहां पर तीन फंदों का एक फंदा करेंगे हम, तीन फंदों का एक फंदा। तो पीछे वाले फंदे हम जो बिना बुने उतारे हैं उसे हम ऐसे ड्रॉप करेंगे और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, तीन फंदा उल्टा, धागा आगे ही रहने देंगे और यहां पर हम पांच फंदा सीधा बुनेंगे जाली बनाते हुए, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदा। फिर से ऐसे धागा घुमाकर हम आगे से जाली बनाएंगे और तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, एक दो और ये तीन। धागा पीछे, एक फंदा सीधा और यहां पर तीन फंदों का एक फंदा। दो फंदा पहले बिना बिना बुने उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर दो फंदा जो हमारा पीछे में है उसे हम ऐसे ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा। धागा आगे ही रहने देंगे और जाली बनाते हुए पांच फंदा हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। धागा आगे करेंगे और बैक लूप से हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारी रो नंबर 13 कंप्लीट हुई। अब आते हैं रो नंबर 14। रो नंबर 14 हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 14 के बाद अब हम आते हैं रो नंबर 15 में। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और धागा को ऐसे घुमाकर आगे लाएंगे
आप ऐसे नहीं लाएंगे नीचे से, क्योंकि ये साइड के जो हैं ये फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, इसलिए मैं धागा को आगे से ऊपर से लाती हूँ। और फिर चाली बनाते हुए यहाँ पर हम एक दो तीन और ये चार फंदे हम बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे और यहाँ पर तीन फंदों का एक फंदा, दो फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और बिना बुने हुए फंदे जो हमारे दो फंदे हैं उसे हम ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, धागा आगे ही रहने देंगे और जाली बनाते हुए हम यहाँ पर सात फंदे सीधे बुनेंगे, तो एक दो तीन चार पांच छः और ये सात फंदे, फिर से धागा घुमाकर ऐसे हम जाली बनाएंगे और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो और ये तीन, धागा पीछे करेंगे और तीन फंदों का एक फंदा, एक ऐसे फिर ऐसे और पीछे वाले फंदे को हम ड्रॉप करेंगे, दोनों फंदे जो हमने बिना बुने उतारे उसे ड्रॉप कर दिए, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो और ये तीन, तीन फंदा हो गया, धागा आगे रहने देंगे, जाली बनाते हुए हम सात फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छः और ये सात, फिर से धागा आगे करेंगे और बैक लूप से हम सीधा बुन लेंगे। आप चाहे तो साइड से आप एक दो फंदे और भी एक्स्ट्रा में रख सकते हैं, मैं एक ही एक एक फंदा ही रखी हूं। अब आते हैं रो नंबर 16 में सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 16 कंप्लीट करने के बाद ये पैटर्न देखिए हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है, ये देखिए इस तरह से। इसी 16 रो को बार बार हमें रिपीट करना है, फिर यहाँ से हमें स्टार्ट करना है रो 1 से और 16 रो को बार बार रिपीट करना है। तो बनाइए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये पैटर्न आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।